गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर स्टडी जर्नल टोपोलॉजी। जर्नल टोपोलॉजी आपके पास क्या है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हमने क्या है कि आपका फर्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि टोपोलॉजिकल क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल आपको कंपेयर करने हैं टोपोलॉजी होने, कंपेरिजन ऑफ टोपोलॉजी होने सेट। ये आपका कम्प्लीट सिलेबस है, 4 यूनिट है इसके अंदर आपके पास। इसमें क्या आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि ड्राइव सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, क्लोजर ऑफिस सेट क्या होते हैं, एक्सटीरियर एक्जीएम वगैरह, क्लोजर ऑपरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, लिमिट पॉइंट ऑफिस सेट। लेकिन उन्हीं को अब हमें किस में पढ़ना है, टोपोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में आपके पास क्या है, टोपोलॉजी की बेसिक्स हैं। स्टार्ट हो रही है कि आपकी टोपोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि टोपोलॉजी दो वर्ड से बना है, आपके ग्रीक के वर्ड हैं, जहाँ पे टोपो का मतलब होता है प्लेस या लोकेशन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी किसी लोकेशन की स्टडी करनी या किसी प्लेस की स्टडी करनी, वो किस में आएगा आपके टोपोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे आता है सबसे पहली डेफिनेशन ही आपकी क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास क्या है कि एक्स आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एक्स यदि नॉन एम्प्टी सेट है, इसका नॉन एम्प्टी सेट का मतलब तो सभी जानते हैं, एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि फाई जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर है। तो कह रहे हैं कि एक्स आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। टी आपके पास क्या है, टी ले लो या फिर इसको जे ले लो। टी आपके पास क्या है कि एक फैमिली है सबसेट्स ऑफ एक्स, कि एक्स जो नॉन एम्प्टी सेट है इसके सबसेट्स बनाएंगे, उसनी सबसेट्स से एक फैमिली बनाएंगे, जिसको किससे डिनोट किया आपके यहाँ पे जे से। तो कह रहे हैं वो फैमिली आपके कुछ फॉलोइंग इन चार एक्जियम्स को सेटिस्फाई करेगी। यदि वो इन चार एक्जियम्स को सेटिस्फाई कर रही है तो उस फैमिली को आप ये कहोगे कि वो आपकी क्या है, टोपोलॉजी है ऑन एक्स के ऊपर। ठीक है, या फिर यदि इन एक्जियम्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो भी आपकी टोपोलॉजी बनाएगी एक्स के लिए। ठीक है, तो वह एक्जियम्स कौन से हैं, सबसे पहले वाला एक्जियम है आपके पास कि द यूनियन ऑफ एनी मेंबर ऑफ मेंबर्स, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जे इज ए मेंबर ऑफ टी। आपको ये बताए कि जे के पास क्या क्या है, इसने पहले ही कहा है कि जे आपके पास क्या है, एक फैमिली है सबसेट्स ऑफ एक्स की। जे के अंदर क्या आ रहे हैं, सबसेट्स आ रहे हैं एक्स के। तो कह रहे हैं उन सबसेट्स को हम उठाएंगे, उठा के उनका यूनियन करेंगे। यहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनियन है, यूनियन नहीं दिया हुआ है आपके पास कि किस तरीके का है, आर्बिट्रेरी यूनियन करेंगे। तो जो आर्बिट्रेरी यूनियन करके जो आपका लास्ट में जो मेम्बर आएगा, वो मेम्बर किस में होना चाहिए, आपके टी के अंदर। यानी ये देखो कि आपके पास कोई भी एक्स है, नॉन एम्प्टी हो गया, इसके पास एलिमेंट है ए बी सी। तो हमने टी या ये जे आपने एक फैमिली बनाई है कि इसके पास क्या है, नॉन एम्प्टी मेंबर्स होने चाहिए, इसके सबसेट्स सभी सबसेट्स लिख लिए इसके। तो कह रहे हैं इन्हीं में से हम कुछ एलिमेंट्स को उठाएंगे, या आर्बिट्रेरी कलेक्शन किसी भी एलिमेंट्स को उठा लो किन्हीं का भी, ये तो फाइनाइट लेके चल रही, उसने एक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई है यहाँ पे, हमने बस सिर्फ ओनली एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं किन्हीं भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को उठाएंगे और उनका यूनियन करेंगे, वो यूनियन भी आपका किस में आना चाहिए। मान लो इन दो एलिमेंट्स को उठाए हैं तो आपके पास क्या आ गया, ये ए बी सी, ये आपका किस में होना चाहिए आपकी जे टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो कह रहे हैं इस तरीके की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जे, कि जो जे के मेंबर्स को लेके आएंगे सबसेट्स हैं एक्स को, उनको लेंगे लेकिन वो फाइनाइट ही लेंगे। फाइनाइट लेके उनका जो इंटरसेक्शन करेंगे, वापिस जो एलिमेंट्स आएगा इंटरसेक्शन करने के बाद, वो किस में होना चाहिए आपकी, उसी जे में। ठीक है, यानी यही सारे आपके क्या मेंबर्स हैं, इन्हीं में से किसी भी दो एलिमेंट्स को उठाइए, फाइनाइट बोला है, फाइनाइट में दो तीन जितनों को भी उठा सको उनका इंटरसेक्शन कीजिए। इंटरसेक्शन करने के बाद जो मेंबर्स आएगा वो आपके इसी में आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने ए उठाया इंटरसेक्शन में, आपने बी सबसेट किया, ये क्या आ गया आपके पास,
आई, कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी आपके पास किस में है, इसी में है, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी इसने। उसके बाद थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि आपके पास इस वाली फैमिली के अंदर क्या होना चाहिए, फाइव भी होना चाहिए और आपका कंप्लीट सेट एक्स भी होना चाहिए। जो कोई भी आपकी फैमिली इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी उसको क्या कहेंगे, टोपोलॉजी फॉर एक्स। और उसी को यानी यदि हम टोपोलॉजिकल स्पेस कह रहे हैं तो ये एक्स डी जी, इसको क्या कहेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस। जो भी अब ये कह रहे हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस में आपने मेंबर्स लेंगे, मेंबर्स कौन से आएंगे, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सेट्स हैं, वो कैसे सेट्स हैं, वो सेट्स आपके ऑलवेज क्या रहेंगे, ओपन सेट्स। कई बार हम टोपोलॉजी को ओनली एक्स से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से, ठीक है। अब टोपोलॉजी भी आपकी टू टाइप से होगी, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, एक आपकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि एक्स आपका कोई भी सेट आ गया, एनी नॉन एम्प्टी सेट है। जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी के अंदर क्या थे, सबसेट्स थे आपके एक्स के, लेकिन इस टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ आपके जो सबसेट्स हैं वो क्या लिए हैं, फाई और एक्स, ठीक है, फाई और एक्स लिए। आपको पता है ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले क्या था, आर्बिट्रेरी यूनियन था। अब आपके पास क्या है, सेट ही आपकी जो टोपोलॉजी है जे में, एलिमेंट ये हैं, इनका आप यूनियन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। एक्स आपके पास ऑलरेडी किस में है, आपके जे में, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आपके किस में है, टोपोलॉजी में, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इन्हीं से आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, आपका फाई होना चाहिए। फोर्थ में क्या बोल रहा है, आपका एक्स होना चाहिए। चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये टोपोलॉजी है आपकी फोर एक्स के लिए। तो इसी टोपोलॉजी को क्या कहोगे आप, ये क्या आपकी कौन सी है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में मेन बस आपके किसके ऊपर है कि आपकी जो टोपोलॉजी है जे, उसके ऊपर कंडीशन है कि उसके अंदर जो मेमल्स आएंगे वो सिर्फ दो मेमल्स रहेंगे, एक आपका फाई और एक आपका एक्स। उसके बाद है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या रहेगा, आपके पास एक्स कोई भी सेट है, जे आपके पास फैमिली है, लेकिन इस बार इस फैमिली में जो सबसेट्स आएंगे वो कौन से आएंगे, आपके सभी सबसेट्स ऑफ एक्स, कि एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो किस में आएंगे, आपके इसी फैमिली जे के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ओनली दो सबसेट्स आए थे, यहाँ पे आपके सारे सबसेट्स आएंगे जे फैमिली के अंदर, तो वो भी आपकी क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, इन्हीं सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। आपका इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहोगे कि आपके वो क्या, आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि उसने यहाँ पे ये कि यूनियन किया हमने आपके जितने भी सबसेट एक्स के सबसेट हैं, और वो सारे सबसेट किस में गए हैं, एक्स का, एक्स में सभी सब, यानी एक्स के सारे सबसेट्स आपके किस में हैं, जे टोपोलॉजी में हैं। तो उन्हीं सबसेट्स का यदि यूनियन करोगे तो आपका कोई ना कोई एक सबसेट ऑफ एक्स का बनेगा। जब जे में सारे ही सबसेट हैं एक्स के, तो वो भी जे में रहेगा, ठीक है। उसके बाद फाई भी आपके जे में है, एक्स भी आपका जे में है। फाइनाइट इंटरसेक्शन करोगे तो एक कोई ना कोई सबसेट ही आएगा एक्स का, वो अदरवाइज वैसे ही आपकी ट्रिवियल कंडीशन से आपके किस में है, जे में है। तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी टोपोलॉजी फॉर एक्स, तो इसको क्या कहोगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी फॉर एक्स। अब हम इस एग्जांपल से दोनों को फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी है। मान लो आपके पास एक्स है, एक्स में क्या है, दो एलिमेंट है ए बी। जे वन आपने टोपोलॉजी बनाई है जिसमें आपने दो ही सबसेट्स लिए हैं, फाई और एक्स। जे टू आपने सेकेंड टोपोलॉजी बनाई है जिसमें क्या है, फाई ए बी एक्स। ए बी इसका सबसेट है, बी भी सबसेट है, एक्स भी है, फाई भी। बस सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है इसमें जो लेने हैं वो सबसेट्स लेने हैं एक्स के, जे थ्री भी हैं, जे फोर भी है। चारों कंडीशंस को ये चारों जो टोपोलॉजी आपकी सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, क्योंकि लेके ही ऐसी चल रही है कि ये आपकी क्या है, टोपोलॉजी है। अब इसमें क्या है, आपको सबसे पहले वाली इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की थी जिसमें क्या था, फाई और एक्स।
या आपके पास क्या है इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी। उसके बाद हमने क्या कहा था कि आपके सारे सबसेट्स होने चाहिए, जिस टोपोलॉजी में सारे सबसेट्स हैं एक्स के, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये देखो जे टू में क्या आपके सारे सबसेट हैं, फाइव बी है, ए बी है, बी बी है। यदि कोई ये कहे कि इसमें ए बी वाला कहाँ है, तो ए बी ही आपका क्या है वो कंप्लीट एक्स, तो एक्स भी है इसके अंदर। तो इसके क्या है सारे सबसेट्स हैं जे टू के अंदर, तो इसको क्या कहोगे कि ये आपकी क्या है डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। और ये सभी आपकी वैसे टोपोलॉजी हैं, सिर्फ डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट ये है और आपकी डिस्क्रीट ये है। थैंक यू।